जय हिंद स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ और उनका रिलेशन विद दी कोएफिशिएंट्स के ऊपर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के तीन ज़ीरोज़ होते हैं, जिसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके तीन टाइप के रिलेशन्स आते हैं, जिसमें पहला रिलेशन यहाँ पे हमने देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज़ सम ऑफ दी ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, यानी दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। ऐसे तीन हमने प्रोडक्ट लिए हैं जिसमें हम एट अ टाइम दो ज़ीरोज़ ले रहे हैं, और उनका हमने किया था एडिशन, और उसका आंसर आया था सी बाई ए। फिर तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट हमने लिया था और वो आया था माइनस डी बाई ए। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पॉलिनोमियल कैसे तैयार करते हैं वो देखा था। पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के इन टू, ठीक है, तो ये था एक्स क्यूब, फिर था एक्स स्क्वेयर, और उसके बाद था एक्स, और उसके बाद कांस्टेंट, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर यहाँ पे हमने रखा था सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद यहाँ रखा था ये वाला टर्म, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा जो डी की पोजीशन पे था। इस तरह से हम लोगों ने ये इतनी चीज़ कल के वीडियो में सीखी थी। अब हम नया वीडियो, जिसके अंदर में कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक ही एग्जाम्पल, वो भी सॉल्व एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, और यहाँ पर बाकायदा बोला है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखे जाने चाहिए। बट फिर भी हम लोग प्रैक्टिस करते वक्त, जब मैं आगे आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूंगा, उसके अंदर में हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स फॉर द प्रैक्टिस हम देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। लेकिन हमको ये साथ में देखना है, हमारी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, और ज़्यादा कुछ उसमें डिफ़िकल्ट पार्ट है नहीं, ईजी है, इसलिए हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपके लिए पहला एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो पहला प्रॉब्लम मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड डी कोएफिशिएंट। एक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक है, जिसके हमको जीरोज पता करने हैं, साथ ही साथ हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स पता करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ठीक है। अब हमको जीरोज पता करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जीरोज पता करने के लिए हमको इक्वेट करना पड़ता है इसको जीरो से। तो आप बोलोगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हमको लगाना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चार मेथड अप्लाई करते जाएंगे, लेकिन वो इतना मैं हर बार अप्लाई करूँगा तो टाइम कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के ही रहेंगे, जहाँ पे कॉमन वाला रहेगा वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, या कोई और मेथड होगी तो वहाँ बता दूंगा। बट आप अगर इनिशियल स्टेज में हो, किसी को अगर ये नहीं आता है, तो आप फर्स्ट मेथड से ही स्टार्ट करो कि पहले कॉमन निकालने वाली मेथड लगाओ, फिर रीग्रुपिंग वाली लगाओ, उसके बाद आइडेंटिटी, और उसके बाद फिर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। और बीच में ही मुझे अचानक एक बात याद आई, तो मैं आपको इससे वो डिस्कस कर लेता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बोली थी कि आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल लेसन पढ़ना है, जिसके अंदर में फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अलावा आपको फिर से लॉन्ग डिवीजन वाला पार्ट फैक्टराइजेशन में वो आपको देखना था। तो आई होप आप लोगों ने वो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। आगे हमको वैसे भी काम में आने वाला है, तो जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है, तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो होने के बाद आप 9th स्टैंडर्ड को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम को मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाने जा रहा हूँ। आप सब जानते हो कांस्टेंट टर्म को लीडिंग कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 × 1 आएगा, तो वो 10 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 7 जो मिडल टर्म है। अभी साइन दोनों की भी पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे साइन से ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 10 के फैक्टर्स 5 × 2 लेंगे, 5 + 2 = 7 होता है, 5 × 2 = 10 होता है। तो यहाँ पे एक्स एक्स लगा देंगे, और ये मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग के पार्ट्स रहेंगे। तो यहाँ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x
2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखोगे तो x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी x प्लस 5 कॉमन आया और यहाँ पे बचा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये दो फैक्टर्स तो आ गए हैं। अब दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब दो में से कोई ना कोई एक ब्रैकेट 0 होगा। कौन सा है हमको नहीं पता, तो हम बोलेंगे इधर एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा है तो एक्स का वैल्यू माइनस 5 होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो एक्स का वैल्यू माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो दो जीरोज आ गए, यहाँ पे हमने जीरोज पता कर लिए। अब हम लोगों को रिलेशन को वेरीफाई करके देना है कोएफिशिएंट्स का जीरोस के साथ में। ठीक है, तो आप बोलोगे लेट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 आर दी जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो बोलेंगे नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, इसके पहले एक्चुअली हम लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा इस पॉलिनोमियल को, तो देखते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे बोल दो कि ऑन कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखो तो ए का वैल्यू 1 मिलता है, बी का वैल्यू 7 मिलता है और सी का वैल्यू 10 मिलता है। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 2, माइनस 5 प्लस माइनस 2 विल गिव अस माइनस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 7। अभी माइनस 7 है यहाँ पे, ए का वैल्यू 1 है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे माइनस 7 अपॉन 1, माइनस 7 अपॉन 1। तो अभी माइनस तो वैसा ही रहेगा, 7 के जगह मैं बी लिखूँगा और ए 1 के जगह पे लिखूँगा। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब हम वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा को, तो आएगा माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड 5 टू जार 10। 10 है तो 10 को 10 बाई 1 लिख सकते हैं, 10 के जगह सी लिखेंगे और 1 के जगह पे ए लिखेंगे, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो अभी आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए कि मैंने इसको कैसे लिखा हुआ है। पहले पॉलिनोमियल लिखा, उसके बाद उसको ज़ीरो से इक्वेट किया, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, फिर दो जीरोज आए, उसको अल्फ़ा बीटा बोला, उसके बाद कंपेयर किया, ए बी और सी की वैल्यू लिखा, फिर रिलेशन बनाने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला और उसको माइनस बी बाई ए जैसा फिट करने की पूरी कोशिश की, और ये आता ही आता है। ठीक है, कभी कुछ कम ज़्यादा हमको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ सकता है, साइन का एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। अभी सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं इसके अंदर में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। फिर से प्रोसेस वैसे ही रहेगी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज कर दिया है। तो आप क्या बोलोगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 को इधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3। हमको x का वैल्यू चाहिए तो यहाँ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे भी जब आप 3 का स्क्वायर रूट लेते हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये जो 3 आया है ये रूट 3 यानी पॉजिटिव रूट 3 के स्क्वायर से आया है या नेगेटिव रूट 3 के स्क्वायर से आया है। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 आता है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 ही आता है। तो ये 3 किसका स्क्वायर था, रूट 3 का था या नेगेटिव रूट 3 का था, ये हमको नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देंगे।
हाँ, बहुत सारी बार जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वहाँ पे फिर हम डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते हैं। बट अदरवाइज आप पॉलिनोमियल्स जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ता है जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमको दो जीरोज़ मिल गए, एक पॉजिटिव √3 और एक नेगेटिव √3। तो चलो इसको अल्फा बीटा बोलते हैं। तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू पॉजिटिव √3 एंड बीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव √3, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे पॉलिनोमियल को। अब यहाँ पे बोलोगे ऑन कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीन टर्म्स दिखाई दे रही है और यहाँ पे दो ही टर्म्स हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो आपके पास स्क्वायर वाली टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन एक्स वाली टर्म गायब है। तो आप इसको टेम्पररीली ऐसा लिख समझ सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x-3। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो अब यहाँ पे लो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखिए नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा का वैल्यू √3, बीटा का वैल्यू -√3। अब ये √3 -√3 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता, ओके। अब 0 की जगह मैं लिखूँगा बी और 1 की जगह लिखूँगा ए। इस तरह से पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अभी दूसरा रिलेशन हम ले रहे हैं अल्फा इंटू बीटा का, हो रहेगा √3 मल्टीप्लाइड बाय -√3, जिसका आंसर आ रहा है नेगेटिव। √3 इंटू √3 होता है 3। अब -√3 को नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे -3 के जगह पे आएगा यहाँ पे सी और ए के जगह 1 के जगह पे आएगा ए। तो -3 के जगह 1 लिखा, दैट इज सी बाय ए। सो ये सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे आप बोलोगे हैंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो गया, ओके। अभी हम तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अभी ये लास्ट प्रॉब्लम आपके सामने है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x-3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल देख के ही हमको समझ में आता है कि इसका डिग्री हो रहा है 3, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसीलिए यहाँ पे हमको 3 जीरोज़ दिए हैं। आप इससे भी समझ सकते हो और यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पे हमको तीन रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक था, वहाँ पे हम लोगों को जीरोज़ पता करने थे प्लस रिलेशनशिप वेरीफाई करना था। यहाँ पे जीरोज़ दिए हैं, सिर्फ हमको वेरीफाई करना है कि ये ही उसके जीरोज़ हैं। अब ये उसके जीरो से वेरीफाई कैसे होता है, जब आप एक्स के जगह पे ये एक एक बार रखोगे और आंसर जीरो आते जाएगा, तो आप वेरीफाई कर दोगे कि हाँ देखो सभी इसमें जीरो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एक करके उसको रखते हैं और वेरीफाई करते हैं क्या ये उसके जीरोज है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे हम लिखेंगे पी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स के जगह 3 रख दिया, -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन जगह बचाने के हिसाब से मैं कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करूँगा, समझ में आ जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। 3 का क्यूब आता है 27, 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो आएगा 81। 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 इंटू 5 आएगा 45, ये -45। फिर 11 3 जार 33, -33, -3। अब यहाँ अकेला 81 पॉजिटिव है, उसको वैसे ही रखते हैं, इन सब को प्लस करो नेगेटिव। तो 45 और 33 आता है 78, 78 और 3 ऐड करोगे तो आएगा 81। तो 81 -81 कितना आता है, 0। तो इसको नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। उसी तरह अब आप यहाँ पे -1 रखोगे, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। -1 का क्यूब, पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे पावर ऑड है, नेगेटिव आएगा, -3 इंटू 1 -3। यहाँ पे पावर इवन है तो ये पॉजिटिव आएगा, +1 इंटू -5 इज -5, -, पॉजिटिव, 11 वन्स आर 11 एंड -3।
अब माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एट, माइनस एट माइनस थ्री इज माइनस इलेवन, प्लस इलेवन, अगेन आंसर आ गया जीरो। फिर आता है पी ऑफ माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल्स टू थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन बाय थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाय थ्री माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव आएगा, थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन बाय 27। फिर यहाँ पे नेगेटिव फाइव इंटू वन बाय थ्री, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, वन बाय नाइन हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, ये आएगा इलेवन बाय थ्री और ये माइनस थ्री। अब ये देखिए थ्री वन ज़ा थ्री नाइन ज़ा हो गया। अब इसको अगर ठीक से लिखे तो आपको दिखता है माइनस वन बाय नाइन माइनस फाइव बाय नाइन प्लस इलेवन बाय थ्री और माइनस थ्री। अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने डिनोमिनेटर वन ले लिया, सभी के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एलसीएम आता है नाइन, तो मैं यहाँ और यहाँ नाइन लाने के लिए ऊपर नीचे थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे ऊपर नीचे नाइन से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ और यहाँ तो नाइन ऑलरेडी है, मैं यही कर लेता हूँ। अब सभी के जगह मैं नाइन ला रहा हूँ तो नाइन कॉमन ले लिया, यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया तो वैसा ही रहेगा, यहाँ पे माइनस फाइव वैसा ही रहेगा, यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई किया है तो इलेवन थ्री ज़ा 33 हो जाएगा, यहाँ पे नाइन से मल्टीप्लाई किया है तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन 27 हो जाएगा नेगेटिव वाला। अब आप सॉल्व करिए, नीचे तो नाइन है ही, माइनस फाइव माइनस वन माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और माइनस 27 इज माइनस 33 प्लस 33 जो यहाँ पे है, तो ये हो गया 0/9, यानी कितना हो गया ज़ीरो। तो दिस इज़ नंबर टू, दिस इज़ नंबर थ्री। तो आप यहाँ पे बोलोगे देयर फोर फ्रॉम वन टू एंड थ्री, वॉट थ्री माइनस वन एंड माइनस वन बाय थ्री आर दी जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, हेंस वेरीफाइड। अब देखिए इतना पार्ट तो हो गया, अब हम लोगों को रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मुझे जगह लगेगी तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास में पॉलिनोमियल फिर से तैयार है। अब हम लिखते हैं जो जीरोज वेरीफाई हुए थे उनको, अल्फा बीटा और गामा। तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या रखा था हम लोगों ने, थ्री, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन एंड गामा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय थ्री। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग पी ऑफ एक्स विथ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, वी गेट वॉट, ए इज इक्वल्स टू थ्री, बी इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, अभी आपको कंपेयर करते आ रहा होगा, सी इज इक्वल्स टू माइनस इलेवन और डी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री। अब हम सम ऑफ जीरोज लेते हैं, मतलब अल्फा। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, चलिए प्लस करिए, थ्री प्लस माइनस वन प्लस नेगेटिव वन बाय थ्री, थ्री माइनस वन होता है टू और ये माइनस वन बाय थ्री, यहाँ कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में वन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थ्री टू ज़ार सिक्स माइनस वन बाय थ्री, सिक्स माइनस वन होता है फाइव बाय थ्री। अब आप यहाँ पे देखिए फाइव से रिलेटेड मेरे पास ए बी सी में क्या है, ओके वी हैव बी, बट यहाँ पे नेगेटिव फाइव है, यहाँ पे पॉजिटिव फाइव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फाइव बाय थ्री, अभी नेगेटिव वैसे ही रहेगा, ये नेगेटिव फाइव के जगह पे मैं लिख दूंगा बी बाय ए। तो ये आ गया आपका पहला रिलेशनशिप जो कि वेरीफाई हो गया। अब हम लेंगे सम ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, तो वो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा थ्री इंटू माइनस वन, फिर आएगा माइनस वन इंटू नेगेटिव वन बाय थ्री, फिर आएगा थ्री मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव वन बाय थ्री। अभी थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस वन बाय थ्री, यहाँ पे थ्री थ्री कट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वन। अब माइनस थ्री माइनस वन होता है माइनस फोर,
प्लस 1/3, यहाँ पे कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू -4 -12 प्लस 1/3, तो ये आएगा -11/3। अभी -11/3 में 11 क्या है, -11 c का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे मैं c लिख देता हूँ, 3 का वैल्यू a के साथ मैच हो रहा है तो यहाँ पे a आ गया। तो ये एक और रिलेशन वेरीफाई हो गया c बाय a। अभी लास्ट बचता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा बीटा गैमा, तो जो आएगा वो ऐसा रहेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, दो बार नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, 1 × 1 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे 1 कहीं पे भी हमारे पास है या नहीं, अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे आ गया 1। हमको यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 चाहिए तो ऊपर नीचे पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको नीचे a लाना है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी नीचे 3 है ऊपर भी 3 है, तो ये 3 किसका वैल्यू है, d के साथ मैच हो रहा है, लेकिन d में या नेगेटिव है, तो फिर से पॉजिटिव को नेगेटिव के फॉर्म में दिखाना है, तो आप कैसे दिखाओगे, पॉजिटिव 3 को लिखा नेगेटिव ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे नेगेटिव छोड़ दिया, नेगेटिव 3 के जगह लिखा d, यहाँ पे 3 के जगह लिख दिया a, तो ये वेरीफाई हो गया -d/a। इस तरह से तीनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। ओके, आई होप आप लोगों को ये प्रॉब्लम के लिए से प्रॉब्लम के माध्यम से आपको एप्लीकेशन समझ में आए होंगे कि हम पहले पढ़े हुए कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को एक होमवर्क ये दे रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम आपको फिर से एक बार सॉल्व करना है, रजिस्टर में वैसे के वैसे कॉपी डाउन करना है, बिना देख के सॉल्व करके देखना है। प्लस अब मैं आपको 12.2 एक्सरसाइज होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं उसके बाद फिर अगले वीडियो में, तब तक के अभी मैं आपके सामने एक बुक रख रहा हूँ एनसीईआरटी की, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप इसको होमवर्क के तौर पर सॉल्व करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने अभी मैंने 2.2 पेज ला के रखा हुआ है, मैं इसको नीचे से ऊपर तक लेकर आऊँगा, जिस पॉइंट पे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट निकाल लो, और बाद में लगे तो इसको जूम कर लेना, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोरोना वायरस के प्रॉब्लम के वजह से, लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से यूट्यूब ने भी अपने स्ट्रीमिंग क्वालिटी को थोड़ा सा कम किया है, तो हो सकता है थोड़ा सा क्लैरिटी इशू आए, आप थोड़ा सा इसको कॉपरेट करके जैसे पॉसिबल हो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये मैं इसको ऊपर ऊपर ला रहा हूँ। अगर किसी को ये वाला प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, दिस इज 4u² + 8u, यहाँ पर t² - 15 है, ये 3x² - x - 4 है, और ये 4s² - 4s + 1 है। वेरिएबल का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने मन से कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान से मैं टाइटल पढ़ लेता हूँ, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हुए हैं, ऐसा एक सॉल्व एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, जय हिंद।